नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इससे आपको इस चैनल की लेटेस्ट वीडियो की जानकारी प्राप्त होंगे सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल गाइडलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप कोई भी टेलीकॉम कंपनी का नंबर यूज़ करते हैं और कभी भी आपके नंबर पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो आप कस्टमर केयर में कॉल करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर केयर में कॉल करने के बाद भी, मतलब काफ़ी बार कॉल करने के बाद भी, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कस्टमर केयर में काफ़ी बार कॉल करने के बाद आपका कोई भी टेक्निकल इशू, जैसे कि इंटरनेट यूज़ करने में आपको परेशानी हो रही है या फिर आपका बैलेंस रॉन्ग डिडक्ट हो रहा है, इस तरह का कोई भी टेक्निकल इशू आपका रिजॉल्व नहीं होने पर आप अगला स्टेप क्या करेंगे, किस तरह से आप कंप्लेन करेंगे, आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो पाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से कंप्लेन किया जा सकता है। मैं आपको दो तरीका बताऊँगा कंप्लेन करने का। पहला जो तरीका है, आप ट्विटर पे ट्वीट करके अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व करवा सकते हैं। कोई भी ब्रांडेड कंपनी का ट्विटर पे अपना एक ऑफिशियल अकाउंट होता है, आप उसके ऑफिशियल अकाउंट पे ट्वीट करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं और इस तरह से आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व किया जाता है। और दूसरा भी एक तरीका बताऊंगा, फ़िलहाल मैं ट्विटर पे आप कैसे ट्वीट करेंगे बता देता हूँ। आप twitter.com ओपन कीजिएगा अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे। आप इसका एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अगर आपका ट्विटर पे ऑलरेडी अकाउंट है तो आप जस्ट लॉगिन कर लीजिएगा, और अगर अकाउंट नहीं है तो फिर आपको साइनअप करके एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले से इस पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस पे किसी भी कंपनी को ट्वीट कर सकते हैं। सपोज़ आप यूज़ कर रहे हैं एयरटेल, तो ऊपर सर्च बॉक्स में ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा एयरटेल। तो यहाँ पे देखिए एयरटेल का जितना भी ऑफिशियल अकाउंट है आपके पास सामने आ जाएगा। उसमें जैसे कि अभी इंडिया में है तो एयरटेल इंडिया, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। आप इसे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने से ये बेनिफिट होगा कि इस पे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपका ट्विटर अकाउंट पे होम पेज पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट। अभी इसे ट्वीट करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ट्वीट टू लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक बॉक्स खुल जाएगी जहाँ पे ऊपर में @ और जो कंपनी का जो ट्विटर अकाउंट है उसका यूजर आईडी यहाँ पे आता है। तो आपको इसे डिलीट नहीं करना है, आपको जस्ट इसके बाद टाइप करना है आपका जो भी प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है आप लिख के अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। आप इस पे अपना नंबर ज़रूर दें जिस नंबर पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। इसके बाद कंपनी आपको कॉल करके आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। दूसरा जो तरीका है, आपको एक वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा, www.tccms.gov.in। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे कोई भी टेलीकॉम कंपनी का एपिलेट अथॉरिटी का ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा। आप उनके ईमेल आईडी पे ईमेल करके अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो बी नंबर जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है बी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टू गेट डिटेल्स ऑफ द एपिलेट अथॉरिटी टू एस्केलेट द इशू इन केस योर कंप्लेंट हैज़ नॉट बीन एड्रेस्ड सेटिस्फैक्टरीली बाय द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे आपको क्लिक हेयर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर में आपको सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज़ आप एयरटेल का नंबर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे भारती एयरटेल लिमिटेड सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। सपोज़ मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ महाराष्ट्र। उसके बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ ठाणे। अभी देखिए यहाँ पे
एप्लेट अथॉरिटी का ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा। ये देखिए applet.mah@in.airtel.com ये ईमेल आईडी है। आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपके नंबर पे, या फिर आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं इस एड्रेस पे। ये यहाँ से ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आप बाय पोस्ट भेज सकते हैं और आप इनसे बात भी कर सकते हैं। इसके लिए ये नंबर दिया हुआ है। इसी तरह से सपोज़ मैं सिलेक्ट करता हूँ आइडिया का, आइडिया सेलुलर लिमिटेड, स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ महाराष्ट्र, नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए आइडिया का एपिलेट अथॉरिटी जो है applet.mah@idea.adityabirla.com ये ईमेल आईडी है और फैक्स नंबर भी दिया हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक पोस्टल एड्रेस है। आप इस तरह से ईमेल करके भी अपना प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व करवा सकते हैं। मैंने आपको दो तरीका बताया, पहले आप ट्वीट कीजिए, ट्वीट करने के बाद अगर आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है तो फिर आप एपिलेट अथॉरिटी को ईमेल करके अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा और आप नए वीडियो को तुरंत देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।